लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण शुरू हो गया है। मरुधरा के रण में आज फिर गरजेंगे पीएम मोदी। राजस्थान में पीएम मोदी की आज दो जगह चुनावी सभा है। पीएम मोदी का आज जालोर और बांसवाड़ा दौरा है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के भीड़माल में जनसभा होगी। दोपहर 3 बजे बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बांसवाड़ा में गुरु गोविंद कॉलेज ग्राउंड पर होगी एक जनसभा। अरुण चतुर्वेदी ने बांसवाड़ा में जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया है। और मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुट चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, लोकसभा का दूसरा चरण शुरू हो गया है और मरुधरा के रण में फिर से पीएम मोदी गरजने के लिए तैयार है, इसीलिए वो चुनावी सभा को संबोधित करने फिर से मरुधरा आ रहे हैं। कैसी तैयारियां हैं, कैसा मुकाबला होने वाला है? बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं, उसमें पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है और दूसरे 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर लगातार दोनों पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा के इस महामुकाबले के रण में उतरने वाले हैं, क्योंकि दूसरे चरण का पहला दौरा प्रधानमंत्री का होगा। आज दो जगह जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह करीब 1:30 बजे के आसपास, दोपहर 1:30 बजे के आसपास भीनमाल में सभा को संबोधित करेंगे। 1 घंटा करीब के आसपास वो सभा को, जनसभा को वहां भीनमाल में रहेंगे और उसके बाद बांसवाड़ा में सभा संबोधित करेंगे। 3 बजे करीब यहाँ सभा का संबोधन होगा। 5-6 घंटे बाद जब यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वो कहीं ना कहीं गरजेंगे। मैं इस वक्त बांसवाड़ा में हूँ, जहाँ पर गुरु गोविंद कॉलेज में ये पंडाल बनाया गया, सभागार मंच पर तैयारियां देख सकते हैं कि यहाँ अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियां सारी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। विजय शंखनाद रैली है, उसको तैयारियां दी गई है। जो तमाम सुरक्षा में जुड़े हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी है, वो लगे हुए यहाँ। इसके अलावा धीरे धीरे पंडाल में तमाम लग चुका, जो कुर्सियां हैं वो तमाम पूरा पंडाल सज चुका है। 2 डोम बड़े बनाए गए हैं, साथ में 2 डोम के अलग अलग और लगाए गए। सुरक्षा के जो कर्मी है, कमांडो जो है, वो तैयार है सुरक्षा के लिए। पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर बिना पास के एंट्री नहीं दी जा रही। अभी जो आगे वीवीआईपी है, उसके बाद पूरी जनता के लिए पूरा जो पंडाल है वो है। लगभग बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया गया है और अब प्रधानमंत्री यहां पर गरजेंगे, क्योंकि यहां पर जो मुकाबला है बड़ा ही रोचक है। बांसवाड़ा में बात की जाए तो यहां पर महेंद्रजीत मालवीय का मुकाबला राजकुमार रोत से है। भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत है, युवा विधायक है, अभी राजस्थान से दूसरी बार चुनकर आप पहुंचे थे और अब वो सांसद में या लोकसभा में उन्होंने अपनी ताल ठोकी है। वहीं महेंद्रजीत मालवीय है, इस बागड़ इलाके के दिग्गज नेता माने जाते हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी से यहाँ लोकसभा। विष्णु, क्या लग रहा है ये चुनावी एक और दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में टक्कर तो जोरदार होने वाली है, क्योंकि जहां जहां भी बड़े जिलों की बात की जाए तो वहां बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में टक्कर है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा, किस तरीके का ये जनसभा, कितनी ज्यादा असरदार हो सकती है, कांग्रेस पर कितनी भारी पड़ सकती है? चंद्रश्री, क्योंकि यहाँ आदिवासी इलाका है और आदिवासी, इस पूरे आदिवासी के साथ जयपुर, अगर यहाँ बांसवाड़ा कस्बे की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं मिश्रित इलाका है, तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासी लोकप्रिय है। यही कारण है कि यहाँ पर जो सभा का पंडाल है व्यापक रूप से बनाया गया है और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो दावे कर रहे हैं कि भीड़ कहीं इससे ज्यादा होगी। वैसे भी प्रधानमंत्री की सभाओं में लगातार यहाँ जो जनता है वो उमड़ती है एक तरह से, तो ये कहीं ना कहीं असरकारक इसलिए भी साबित होगा कि आदिवासियों में भले ही यहाँ राजकुमार रोत तेजी से उभरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो असर है वो व्यापक रूप से दिखाई देता है। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, सुबह सुबह हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की थी तो उन्होंने कहा कि मोदी को वोट देंगे। ठीक है विष्णु, यानी कि यहाँ पर मुकाबला बहुत ही जोरदार होने वाला है, लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा कितनी असरदार होती है। हालांकि जैसा कि आपने बताया और सब देखते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो, रोड शो हो, रैली हो, उसमें जनसैलाब आता ही है, तो यहां पर देखना होगा। नजर बनाए रखिए।